जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुमित लक्षकर। आज हम वन शॉट में क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 फिजिक्स क्लास 10th कम्प्लीट करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स भी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। देखिए, न्यूमेरिकल्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स और काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हम इसी वीडियो में वन शॉट में आधे घंटे के अंदर कम्प्लीट करने वाले हैं इस वीडियो को। और आपके पूरी इलेक्ट्रिसिटी के सारे न्यूमेरिकल्स जो आपकी बुक के बीच में हैं, जी हाँ, आपकी बुक के बीच में कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस हैं और बॉक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, और वो आएंगे ही आएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना मत भूलिएगा, और मैं आपके लिए इसी वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए, और नोट्स साइंस के, सोशल के, मैथ के, इंग्लिश ग्रामर के, हिंदी ग्रामर के फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे हमारे व्हाट्सअप चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वन शॉट की वीडियोस आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं उससे पहले वन शॉट की वीडियोस साइंस की, सोशल की, मैथ की, इंग्लिश ग्रामर की, हिंदी ग्रामर की, पूरे सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट की हमारी सब्जेक्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आपको वन शॉट की वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ और सारे नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ हमारे व्हाट्सअप चैनल से, देखना मत भूलिएगा आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल बेहतरीन करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके हमारी इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। देखो, एक कंटिन्यूस और क्लोज्ड पाथ होता है जो कि बना हुआ होता है वायर से, और जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ डिवाइसेस होते हैं जैसे कि बैटरी, वोल्टमीटर और एमीटर और स्विच, जिसको हम की कहते हैं। डिफाइन वन यूनिट ऑफ करंट। देखो, करंट की ऐसा यूनिट है एम्पियर, और एक एम्पियर यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस अ सरफेस एट द रेट ऑफ पर सेकेंड। देखो, एक सेकंड के अंदर कितने कूलम यानी कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं उसको हम कहते हैं एम्पियर। ओके, वन एम्पियर इज इक्वल टू एक्स नंबर ऑफ कूलम पास हो गए एक सेकंड के अंदर, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग वन कूलम ऑफ चार्ज, यानी एक चार्ज के अंदर, यानी एक कूलम का चार्ज है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूमेरिकल्स देखो, गिवन है आपको करंट 0.5 एम्पियर, टाइम है आपका 600 सेकंड, और चार्ज है आपके पता करने चार्ज को पता करना है आपको। फॉर्मूला है I इजिकल टू क्यू ओपन टी। आपके लिए मैं वन शॉट की आधे घंटे के अंदर पूरी इलेक्ट्रिसिटी को एक्सप्लेन करने वाली, प्लस फॉर्मूला टेबल, प्लस हर फॉर्मूले को समझाने वाली वीडियो अपलोड कर दूंगा आधे घंटे की, आप उसको देखना मत भूलिएगा। देखो, I इजिकल टू क्यू ओपन टी, और आपको Q निकालना है, तो ओपन कैसे निकालेंगे, I इंटू में Q। ओके, तो Q आपका आ गया 300 कूलम्स। ओके, चार्ज आपका कितना है 300 कूलम्स। ओके, टाइम आपका सेकंड्स में निकालेंगे अपन, 10 मिनट्स था, अपन ने निकाली सेकंड्स, 600 सेकंड्स। ओके, नेम आ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, जिसका आपको, देखो बैटरी और सेल बोल लो इसको, हमें इसकी मदद से हम वोल्टेज मेंटेन करते हैं उस कंडक्टर के अंदर। ओके, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू पॉइंट इज 1 वोल्ट। देखो, वोल्टेज आपका कितना गिवन है 1 वोल्ट, यानी आपको 1 जूल की एनर्जी यानी वर्क डन करना होगा उस चार्ज के ऊपर, ताकि वो एक पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करके आ सके दूसरे पोटेंशियल डिफरेंस तक। ओके, 1 जूल की आपको एनर्जी देनी होगी उस चार्ज को मूव करने के लिए 1 पोटेंशियल डिफरेंस से दूसरे पोटेंशियल डिफरेंस तक। ओके, उसको लाने के लिए हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट ऑफ बैटरी। देखो, आपका वोल्टेज गिवन है और आपका चार्ज गिवन है 1, ठीक है। आपको कितनी एनर्जी देनी है पता करना है आपको। वैल्यू पुट करो, वोल्टेज आपका 6 है और चार्ज आपका 1 है, वो आपकी एनर्जी आएगी, वर्क डन आपका आएगा 6 जूल। ओके, ऐसा यूनिट है वर्क डन की जूल। ओके, एग्जांपल है आपका 10.2। देखो, इसमें आपको वर्क डन पता करना है, चार्ज आपको गिवन है और वोल्टेज आपको गिवन है। वर्क डन इज इक्वल टू वी अपॉन में क्यू। ओके, वैल्यू पुट करो, हमारा वर्क डन आएगा जूल्स में, यानी उसकी एसआई यूनिट है जूल, 24 जूल। आपका वोल्टेज गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है, आपको निकालना है करंट। वैल्यू पुट करो, यहाँ भी वही वैल्यू पुट करो। ओम्स लॉ क्या है, वी इज इक्वल टू आई आर। वोल्टेज गिवन है, आपका करंट गिवन है, आपको निकालना है रेजिस्टेंस। कैसे निकालोगे, वी अपॉन में आई, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी अपॉन में आई। कितना हो गया, 15 वोल्ट, 15 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस आ गई 15 ओम की। यहाँ भी वही चीज़ करोगे, यहाँ आपने रेजिस्टेंस निकाल लिए और आपका वोल्टेज गिवन है, आपको निकालना है करंट। ओके, निकाल लोगे, करंट कैसा आएगा, आई इज इक्वल टू में वी अपॉन में आर। वी गिवन वही था हमारा 120 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस हमारी है, हमने निकाली 15 ओम की। डिवाइड कर दो, हमारा करंट आएगा एम्पियर में 8 एम्पियर। ओके, रेजिस्टेंस आपको गिवन है, आपको डायमीटर गिवन है 0.33
0.3 मिलीमीटर, आपको मिलीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, क्योंकि हमारी रेजिस्टेंस आती है ओम मीटर में, ना कि ओम मिलीमीटर में. ओके, 3 × 10⁻⁴ मीटर लेंथ आपकी गिवन है 1 मीटर की. आपको फाइंड करना है रेजिस्टिविटी, यानी आपको रो पता करना है. देखो, रेजिस्टेंस आपको गिवन है, वैल्यू पुट कर दो, और आपका लेंथ आपको गिवन है, और आपको एरिया क्या होता है हमारा, पाई डी स्क्वायर अपन 4, सर्कल का एरिया होता है पाई डी स्क्वायर अपन 4, पुट कर दो यहाँ पर. और आपको रेजिस्टेंस आपको गिवन है, आपको पता करना है रेजिस्टिविटी, यानी रो. रो इज इक्वल टू, ये डिवाइड में था मल्टीप्लाई में चला गया, ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला गया. अब इसको सॉल्व करना, आप आंसर आएगा 1.84 × 10⁶ ओम मीटर. ओम मीटर रेजिस्टिविटी है ना, ओम मीटर आएगा यहाँ पे. एग्जाम्पल 10.6 देखो, गिवन आपकी लेंथ, एरिया और रेजिस्टेंस. आपकी रेजिस्टेंस बनाएगी, वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले में, हमारी रेजिस्टेंस आएगी, इक्वेशन बनाएगी हमारी 4 ओम इज इक्वल टू रो इंटू में एल अपॉन में ए. ओके, और रेजिस्टेंस जो कितनी आएगी, देखो रो इंटू में एल हमारा, देखो हमारी रेजिस्टेंस हमारे सेकंड वायर के लिए हमारी लेंथ हमारी हाफ कर दी, और ये एरिया हमारा डबल कर दिया. वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, हमारी सेकंड वायर की हमारी इक्वेशन क्या आई, रो इंटू में एल अपॉन में 4 ए. ओके, अब देखो आपका यहाँ पे, देखो इसमें से अपन निकाल लेंगे 1/4 बाहर, ठीक है. तो हमारा देखो ये रो इंटू में एल अपॉन ए, यहाँ भी रो इंटू में एल अपॉन ए, ये किसके इक्वल है 4 ओम के. यहाँ वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पुट कर देंगे अपन 4 ओम, ठीक है. 4 से 4 कट जाएगा, हमारी रेजिस्टेंस आएगी, रेजिस्टेंस 2 आएगी हमारी 1 ओम की. ओके, व्हाट ऑन व्हाट फैक्ट, देखो रेजिस्टेंस हमारी डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्रॉस सेक्शन एरिया के, और मटेरियल ऑफ द वायर यानी रेजिस्टिविटी के, और टेम्परेचर के ऊपर. ओके, करंट फ्लो मोर इजीली थ्रो, देखो थिक वायर है तो उसमें से करंट इजीली फ्लो हो जाएगा, और बट अगर थिन वायर है, पतला वायर है, तो उसमें इजीली फ्लो नहीं होगा, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया. ओके, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ देखो, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वोल्टेज अगर हमारी हाफ हो गई तो करंट भी हमारा हाफ हो जाएगा. वाई आर कॉयल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड अप ऑफ अलॉय, देखो अलॉय से बनता है क्योंकि, देखो क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्योर मेटल. ओके, इसलिए, और अगर मेरी अगर हमको हमारे टोस्टर को और हमें आयरन को हमें हीट करना है, उसको हमें गर्म करना है, उसको हमें लाल करना है, हीट करना है, इसलिए हमें उसकी रेजिस्टेंस बढ़ानी पड़ेगी. ओके, और जो कि प्योर मेटल में कम होती है. आयरन की और कनेक्टिविटी की मरकरी की कनेक्टिविटी देखो कंपेयर करते हैं, इसकी है 10⁻⁸, और इसकी है 94.0 × 10⁻⁸. तो आयरन की कम है, यानी आयरन की कनेक्टिविटी अच्छी है एज कम्पेयर टू मरकरी, और सिल्वर की और कम है, यानी सिल्वर की कनेक्टिविटी बेस्ट है. विच मटेरियल हैज़ द बेस्ट कनेक्टिविटी, हो गया सिल्वर. ओके, 1.6 × 10⁻¹. ओके, देखो सीरीज कनेक्शन, देखो रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आएगी, हमारी सीरीज कनेक्शन में आएगी, दोनों को प्लस कर दो 24 रेजिस्टेंस. गिवन है आपकी वोल्टेज, आपको करंट निकालना है, देखो वोल्टेज गिवन है, आपको करंट निकालना है, रेजिस्टेंस अपने निकाल ली है, वैल्यू पुट कर दो रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर देंगे 24, और वोल्टेज की पुट कर देंगे 6, हमारी करंट आएगा हमारा 0.25 एम्पियर. ओके, अब देखो आपको वोल्टेज निकाला है, वोल्टेज हमारी इलेक्ट्रिक लैंप में, और वोल्टेज हमारी करंट कंडक्टर में, टोटल आपकी कितनी है 6 वोल्ट आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक लैंप में और कंडक्टर में. वोल्टेज हमारी आएगी करंट इंटू में रेजिस्टेंस, करंट आपके दोनों में सेम रहेगा, और रेजिस्टेंस हमारी अलग अलग होगी. यहाँ पे अपन लगाएंगे 24 ओम की रेजिस्टेंस, और यहाँ पे लगाएंगे 4 ओम की रेजिस्टेंस. देखो कितनी गिवन आपको, गिवन है ना आपको कंडक्टर में आपकी रेजिस्टेंस 4 ओम की. ओके, वैल्यू पुट करो, हमारी वोल्टेज आएगी 5 वोल्ट, और यहाँ पे हमारी वोल्टेज आएगी 1 वोल्ट. ओके, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, देखो यहाँ पे आपको की दिखानी थी, आपको 3 सेल दिखाने थे, और आपको 3 रेजिस्टर दिखाने थे, 12 ओम के, 8 ओम का और 5 ओम का. ओके, अब आपको इसी डायग्राम में मैंने आपको गलती से यहाँ पे 2 सेल बनाई है, अब इसको 3 सेल कर देना, यहाँ पे ऐसे कर देना 3 सेल्स, और देखो स्विच है यहाँ पर, हाँ कोई दिक्कत नहीं, 5 ओम की रेजिस्टेंस कोई दिक्कत नहीं, 8 ओम की रेजिस्टेंस कोई दिक्कत नहीं, 12 ओम की जो रेजिस्टेंस है उसमें मैंने देखो यहाँ पे मैंने वोल्ट मीटर लगाया है, और इसके ऊपर मैंने एम मीटर को लगाया है सीरीज में, एम मीटर लगता है सीरीज में, और वोल्ट मीटर लगता है पैरेलल में. गिवन है आपको रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, और वोल्टेज आपको गिवन है, आपको निकालना है करंट. देखो वोल्टेज, देखो हमारा तीनों रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में है, यानी हमारे करंट तीनों में अलग अलग होगा. इसमें R1 में हमारा करंट होगा I1, इसमें होगा I2, इसमें होगा I3. वैल्यू पुट करो,
वी इज इक्वल टू आई, हमारा क्या है आई इज इक्वल टू वी अपन में आर, वोल्टेज ये रहा और करंट रेजिस्टेंस हमारी ये रही, डिवाइड कर दो हमारे करंट आएगा 2.4 एम्पियर, यहाँ पे आएगा 1.2 एम्पियर, यहाँ पे आएगा 0.4 एम्पियर। वीडियो पॉज करो देखो, अब देखो टोटल करंट हमारा कितना होगा, इन सभी करंट को प्लस कर दो, हमारा टोटल करंट हो गया 4 एम्पियर। टोटल रेजिस्टेंस होगी हमारी सारा रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला, पैरेलल रेजिस्टेंस अपन जोड़ते हैं पैरेलल कनेक्शन में, क्या होगा हमारा फॉर्मूला, ये रहा हमारा फॉर्मूला, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दो हमारी रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, वैल्यू पुट करो हमारी टोटल रेजिस्टेंस आएगी 3 ओम की। ओके रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 हमारी पैरेलल में है और रेजिस्टेंस 3 और रेजिस्टेंस 4, रेजिस्टेंस 5 पैरेलल में है। देखो टोटल रेजिस्टेंस अपन को निकालने के लिए, पहले अपन को यहाँ पर अपनी आर डैश निकालनी होगी, यानी इन दोनों को पैरेलल कनेक्शन में जोड़ना होगा। आर डैश हमारी आएगी 8 ओम की और यहाँ पे अपन को निकालना होगा यहाँ पे आर डबल डैश, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन है ना तीनों, तो आर डबल डैश हमारी आर डबल डैश आएगी 10 ओम की, तो 8 ओम प्लस 10 ओम हमारा हो गया 18 ओम, ठीक है। तो हमारी टोटल रेजिस्टेंस आएगी 18 ओम की, क्योंकि हमारा आर डैश और आर डबल डैश हमारा सीरीज में है और ये दोनों हमारे पैरेलल में थे और ये तीनों हमारे पैरेलल में थे एक दूसरे के। अब देखो टोटल करंट कैसे निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास है और क्या है हमारे पास वोल्टेज है, अपन निकालेंगे टोटल करंट कैसे, आई इज इक्वल टू में वी अपन में आर, वी ये रहा और आर हमारा ये रहा, काट देंगे हमारा करंट आएगा 0.67 एम्पियर। अब देखो पैरेलल कनेक्शन है आपका, ए वाला क्वेश्चन है क्या, ए क्वेश्चन में देखो आपको 10 ओम की और 10 पावर 6 ओम की रेजिस्टेंस है, आपको निकालने हैं टोटल रेजिस्टेंस, पैरेलल कनेक्शन है। देखो कैसे निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस हमारी, देखो 10 पावर 6 ले लिया अपन ने, इसके बारे में देखो 10 पावर 6 ले लिया, हाँ इसके बारे में यह आता है, हाँ कितनी बार में 10 पावर 6 बार में, इसको इंटू कर दो 1 में, कितना आएगा 10 पावर 6 आएगा, ठीक है। 10 पावर 6 के बारे में ये आता है 10 पावर 6, हाँ कितनी बार में आता है 1 बार में, 1 इंटू कर दो यहाँ पर 1 आ गया, प्लस कर दो इनको कितना आ गया, फिर रेसिप्रोकल कर दो, प्लस कर दो फिर रेसिप्रोकल कर दो, कितना आ गया ये आ गया, देखो ये आएगा, फिर इसको अपन सॉल्व करेंगे हमारा आएगा सिमिलर टू 1 ओम, टोटल रेजिस्टेंस हमारी आएगी सिमिलर टू 1 ओम। ओके यहाँ भी देखो वही चीज़ करो, यहाँ पर 10 पावर 6 अपन ने एलसीएम लिया, अब देखो 10 पावर 6 के बारे में 1 आता है, हाँ कितनी बार में 10 पावर 6 बार में, इंटू कर दो 1 में आ गया, देखो 10 पावर 6 के बाद 10 पावर 6 के बारे में 10 पावर 3 आता है, हाँ कितनी बार में 10 पावर 3 बार में, इंटू कर दो 1 में, इंटू कर दो 1 में 10 पावर 3 आ गया। 10 पावर 6 के बारे में 10 पावर 6 आता है, हाँ कितनी बार में, एक बार में, एक इंटू कर दो इसमें 1, ठीक है। ऐसे सॉल्व करोगे रेसिप्रोकल कर दोगे, हमारा आंसर आएगा 0.99999, जो कि सिमिलर होता है वन ओम के। ओके देखो इलेक्ट्रिकल लैंप आपकी रेजिस्टेंस ये रही तीनों और आपका वोल्टेज ये रहा, आपको निकालनी है करंट, कैसे निकालोगे, सॉरी आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। देखो टोटल रेजिस्टेंस पहले अपन निकालेंगे कैसे, कितनी आएगी हमारी, वैल्यू पुट करो हमारे फॉर्मूले, पैरेलल कनेक्शन वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, हमारी टोटल रेजिस्टेंस आएगी 125/4 ओम की। ओके अब यहाँ पे आपको निकालना है करंट, कैसे निकालोगे, देखो वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू में रेजिस्टेंस, तो करंट कितना आएगा, वोल्टेज अपन में रेजिस्टेंस, वोल्टेज हमारा अपन में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ये रही 125 अपन में था, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में हो गया, देखो 125 अपन यहाँ पे अपन में फोर था, यहाँ ऊपर आ गया मल्टीप्लाई हो गया। सॉल्व करेंगे अपना आंसर आएगा, करंट आएगा अपना 7.09 एम्पियर। ओके अब देखो आपको 3 रेजिस्टेंस गिवन थे, आपको निकालना है एक बार इनकी टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम की और एक बार इनकी टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है आपको 1 ओम की। 1 ओम की कैसे निकालेंगे, सभी को पैरेलल में जोड़ देंगे, हमारी आ जाएगी 1 ओम की। और 4 ओम की कैसे निकालेंगे, देखो 3 ओम की और 6 ओम की अपन जोड़ेंगे पैरेलल में और 2 ओम की जोड़ेंगे सीरीज में। ओके देखो पहले अपन यहाँ पे इन दोनों सॉल्व करेंगे, आएगा यहाँ पे हमारी आर डैश कितनी आएगी 2 ओम की और आर डैश और आर 3 हो गई हमारी सीरीज में, जोड़ देंगे इनको हमारा आएगा 4 ओम की रेजिस्टेंस। ओके अब देखो यहाँ पे आपको 4 रेजिस्टर्स थे, अब देखो सीरीज कनेक्शन क्या होता है, देखो रेजिस्टर 1, रेजिस्टर 2, रेजिस्टर 3, रेजिस्टर 4 सभी को जोड़ देंगे, हमारी टोटल रेजिस्टेंस आएगी सीरीज में 48 ओम की। और यहाँ पे देखो यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन है, अब यहाँ पे आप जोड़ोगे सभी रेजिस्टर्स को एक पैरेलल कनेक्शन में, तो आपकी टोटल रेजिस्टेंस आएगी 2 ओम की, यानी हाईएस्ट आएगी सीरीज में और लोएस्ट आएगी पैरेलल में। ओके गिवन है आपकी पावर और वोल्टेज गिवन है, देखो फॉर्मूला क्या है ना, पी इज इक्वल टू वी आई, पी इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू में करंट, ठीक है। तो हमारा करंट निकालेंगे कैसे, करंट निकालेंगे अपन यहाँ से वी अपन में आर, वी पावर अपन में वोल्टेज, पावर अपन में वोल्टेज, हमारा करंट आ गया 3.28
82 एम्पियर। और फिर अपन रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, जो करंट निकाल लिया और वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस निकाल लो 57.6 ओम की। ओके वही चीज़ यहाँ पे करोगे आप, वीडियो पॉज करो देखो उस चीज़ को, वही चीज़ यहाँ पे करनी है, बस एग्जैक्ट वही चीज़ करनी है। देखो गिवन है आपके, आपको पावर, आपको रेजिस्टेंस गिवन है, आपको टाइम गिवन है, आपको निकालना है वोल्टेज। कैसे निकालोगे देखो, आई इज इक्वल टू में एच अपन में, देखो फॉर्मूला हमारा ये था, आई इज इक्वल टू में एच था उसके डिवाइड में कर दिया अपने आर अपन आर इन टू टी कर दिया इसके डिवाइड में, और स्क्वायर था इधर आके अंडर रूट हो गया। वैल्यूज पुट करो, हमारी वोल्ट हमारी पावर हमारा करंट आ गया 5 एम्पीयर का। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, वी इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज इज इक्वल टू, वोल्टेज कितनी आएगी वो पता करेंगे, करंट को इंटू कर दो, करंट को इंटू कर दो रेजिस्टेंस से। ओके हमारी वोल्टेज आएगी 20 वोल्ट की। ओके द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो, देखो वो बनी होती है एल्यूमिनियम से और कॉपर से, जो कि ग्लो नहीं कर, जो कि इतनी इनकी रेजिस्टेंस नहीं है एज कम्पेयर टू अलॉय। गिवन है आपके चार्ज 96,000 कूलम। 15 मिनट में हो गया, थोड़ा तेज समझाया मैंने, मुझे माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे, बट हो गया आपका ठीक है, क्या कर सकते हैं। देखो आपके लिए आपको दिक्कत हो रही है ना, तो आपके लिए वन शॉट की वीडियो लेके आऊँगा, 40 मिनट्स की वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें 20 मिनट में आपको एक्सप्लेन करूँगा चैप्टर को और 20 मिनट में आपको मैं ये न्यूमेरिकल्स कराऊँगा, ठीक है, मंजूर है। वीडियो देखोगे पूरी, मुझे पहले यस करो, हाँ सर वीडियो देखेंगे, तो आपके लिए कल ही वीडियो लेके आ दूँगा गारंटेड। चलो ठीक है, गिवन आपकी चार्ज गिवन है आपको 96,000 कूलम और टाइम आपको गिवन है 3600 सेकंड और आपकी वोल्टेज गिवन है 350 वोल्ट, आपको करंट निकालना है। देखो करंट इज इक्वल टू क्यू ओपन में टी, वैल्यू पुट कर दो, क्यू हमारा गिवन है और टी आपने निकाल दिया 3600 सेकंड इस एक आवर से, और हमारा करंट आ गया 80/3 एम्पियर। अब देखो आपको हीट निकालनी है और करंट निकाली अपन, हीट भी निकालनी है, हीट इज इक्वल टू वी इंटू में आई इंटू टी, वोल्टेज इंटू में नहीं हमारा वी इंटू आई इंटू टी हमारा हो गया हीट, ठीक है, 50 इंटू 80/3 इंटू 3600। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा हीट आएगी 48 × 10^5 जूल। अब इसको सुभान अल्लाह इसको कर दो क्या, 4.8 × 10^6 जूल, 4.8 × 10^6 जूल, टीचर आपको फेंक के मार्क्स देगा, या तू भी क्या रखेगा, ऐसे आप आंसर ऐसे लिखोगे ना, ऐसे लिखोगे तो आप उसको आंसर बहुत अच्छा लगता है आपका आंसर ऐसे, कि 4.8 × 10^6 जूल क्या मज़ा। चलो ठीक है, गिवन है आपकी ये करंट गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है और टाइम गिवन है, वैल्यू पुट कर दो, हमारी हीट आएगी 15,000 जूल। ओके वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है, आपको निकालनी पावर, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू में करंट, पावर आएगी आपके वाट में, गिवन आपको पावर, टाइम गिवन है 8 आवर और पर डे, आपको वर्क डन निकालना, आपको एनर्जी निकालनी है, जो पावर पावर इंटू में टाइम, पावर इंटू में टाइम, पावर आपका ये रहा और टाइम आपका ये रहा, और 30 डे के लिए 30 दिन तक आपकी फ्रिज चली है, आपकी पावर आपकी एनर्जी कंज्यूम आएगी 96,000 वाट पर आवर, ठीक है, 96,000 वाट पर आवर है और आपको उसको डिवाइड करना है 1000 से, 1000 से डिवाइड करो तो आपका आएगा 96,000 किलोवाट आवर, ठीक है, 96 किलोवाट आवर आएगा। आपकी कॉस्ट गिवन है आपको 1 किलोवाट आवर की 3 रुपये, तो आपकी 96 किलोवाट आवर की आएगी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आएगी आपकी 288 रुपीज़। ओके डिटरमाइन द रेट ऑफ रेट एट विच एनर्जी डिलीवर्ड बाय सर्किट, देखो सर्वर सर्किट करंट के द्वारा जो एनर्जी डिलीवर की गई है, जो एनर्जी करंट के द्वारा डिलीवर की गई है वो होती है उसकी पावर, यानी इलेक्ट्रिक पावर। ओके गिवन आपको आपका करंट, वोल्टेज और आपको टाइम गिवन है, आपको निकालनी है एनर्जी कंज्यूम, उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा पावर और टाइम, टाइम आपको गिवन है, हाँ पावर निकालनी पड़ेगी, पावर निकालनी, देखो V इंटू में आई, V आपका ये रहा, आई ये रहा, पावर निकालो 1100 वोट। ओके और एनर्जी कंज्यूम क्या होती है, हमारी होती है एनर्जी कंज्यूम यानी वोल्टेज वर्डन कितना होता है, पावर इंटू में टाइम, पावर इंटू में टाइम, पावर आपकी ये रही और टाइम आपका ये रहा, इंटू में कर दो, हमारी एनर्जी आएगी 7.92 × 10^1 2 3 4 5 6 10^6 जूल। ओके चलो ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे व्हाट्सएप चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद, जय हिंद।